दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम एस टाइल्स एंड मार्बल फिटिंग पर। काफ़ी लोगों का सवाल था सोएब भाई रस्सी मोल्डिंग किस तरीके से बनाई जाती है, आप बताएं बहुत सरल और आसान तरीके से। तो मैं आपके लिए बहुत सरल और आसान तरीके की ये वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको फर्मा बांधना होगा जीरो कटिंग पर कि हमारी कटिंग बिल्कुल भी ना हो। जो ये हम फर्मा बांध रहे हैं थोड़ा हमारा दो सूत कटिंग होगी, उसके बाद ये हमारा जीरो डिग्री पर जीरो कटिंग पर हो जाएगा। ये हमारा जो हमारी टाइल्स की धार है वो सही नहीं है, टेढ़ी है, तो हम इसलिए इसको दो सूत कटिंग कर लेंगे। इसकी मैंने फर्मे को टाइल्स पे बांधा है, अगर आप मार्बल पे बांधते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा जीरो कटिंग पे हो चुका है फर्मा। आपको जिस मार्बल में आपको रस्सी मोल्डिंग बनाना है उसी मार्बल उसी ग्रेनाइट की आपको टुकड़ी फंसाना होगी पीछे साइड में। अगर आप ग्रेनाइट पे बना रहे हो तो आपको ग्रेनाइट की ही फंसाना होगी, आप सादा मार्बल की ना फंसाएं। मैंने दो कलर में बनाई है, वाइट और ब्लैक। जो हमारा ब्लैक है वो हमारा ग्रेनाइट है और ये हमारा वाइट है, ये हमारा सादा मार्बल है। सारी पट्टियों की इस तरीके से कटिंग कर लेना है आपको। उसके बाद आपको इस तरीके से पीस लेना होगा टाइल्स या आप मार्बल कोई भी ले सकते हो। उसके बाद आपको जैसे हम ये मार्किंग कर रहे हैं 4 इंच पर, आप 6 इंच पे भी मार्किंग सब कर सकते हो। दोनों साइड पे आपको बराबर मार्किंग करना होगी। इस तरीके से क्रॉस काटने पर हम फर्मे पर रखकर अगर टुकड़ी काटते हैं वो हमारी 45 डिग्री कटिंग होती है। आपको इस तरीके से काट लेना है। आप इसमें ईंटें लगाकर भी इसको टिका सकते हो कि आपका सिर्फ ये हिले नहीं। आप इसमें एक बार में 10-10 पट्टी रख के भी कटिंग कर सकते हो। जैसे हम दो पट्टी रख कर कटिंग कर रहे हैं, आप 10 पट्टी रख के भी कटिंग कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा मोल्डिंग आपको बनाना है तो आप एक ही बार में 10 पट्टी रख के भी कटिंग कर सकते हो, आपका कोई भी फ़र्क नहीं होगा कटिंग में। इस तरीके से आपको काट लेना है सारे टुकड़े। मैंने ये काट लिए हैं, मैं सिर्फ सैंपल बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी बनाने की। इसका इस्तेमाल करें, आप इसमें रेगजीन इस्तेमाल ना करें चिपकाने के लिए, क्योंकि वो इतनी हार्ड नहीं होती है। हम एयरोराइट इस्तेमाल करते हैं और वॉन टाइट। इसमें हम ब्लैक कलर मिला लेंगे जिससे हमारा जॉइंट बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं इसको सैंपल के तौर पर बना रहा हूँ, अगर आप बना रहे हो तो इसके सारे जोंटों पर ट्यू ज़रूर लगाना, इससे काफ़ी और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी ये हमारी।
ये हमारे चिपक चुके हैं। जो हमारी ग्रेनाइट की टुकड़ी है वो हमारी ऊंची है और जो हमारी सादा मार्बल की है वो नीची है, क्योंकि ग्रेनाइट की थिकनेस ज़्यादा होती है सादा मार्बल के मुकाबले। अब हम इसकी घिसाई कर देंगे। इस तरीके से आपको घिसाई करना। आप ग्लेंडर से भी इसकी लेवलिंग कर सकते हो, कटर मशीन से भी आप इसको लेवलिंग कर सकते हो फर्मे पर रख कर इसको। मैंने इसकी कटाई कर ली है, ये हमारी बराबर हो गई। इसके बाद हम मोल्डिंग बनाएंगे। अगर आपको ये ब्लेड चाहिए तो आपको अमेज़ॉन का लिंक ऑर्डर नंबर आपको मिल जाएगा, आप मंगा सकते हो। इससे आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मोल्डिंग नहीं होगी, आप रफ़ मोल्डिंग कर सकते हो, रफ़ मार सकते हो इससे। उसके बाद आपको ब्लेड से फिनिशिंग करना होगी। कटाई करने के बाद एयर राइट से आपको इस तरीके से पेस्टिंग कर लेना है ब्लैक कलर मिला के। इससे आपके जॉइंट बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेंगे। अब हम इसकी मोल्डिंग करेंगे। फाइनल मोल्डिंग आपको ब्लेड से करना होगी कटाई, और ब्लेड से आप फिनिशिंग के साथ कटाई नहीं कर सकते, इसलिए अब हम इसकी सादा ब्लेड से कटाई करेंगे। और इसमें जो बट्टी लगेंगी, पेड लगेंगे, वो हमारे सादा पेड रहेंगे, ग्रेनाइट पेड इसमें इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ग्रेनाइट पेड से हमारा जो सादा मार्बल है वाइट वाला वो हमारा ब्लैक कार्बन चढ़ जाएगा उस पर, इसलिए आपको सादा पेड इस्तेमाल करना है इसमें, आपको ग्रेनाइट पेड इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है। ये रियल में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप इसको काफ़ी जगह लगा सकते हो, विंडो फ्रेम, काउंटर टॉप, टेबल टॉप। आप अगर आपकी मोल्डिंग राउंड में है, गोल काउंटर है आपका, उसमें भी लगा सकते हो, ये आप विंडो में भी लगा सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल मोल्डिंग के मुकाबले ये काफ़ी अच्छी लगती है। आप किचन की स्लिप पर भी लगा सकते हो इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो ये हमारी सिंगल है, आप इसको डबल करके भी लगा सकते हो इस जगह पर। ये जो हमारी सामने मोल्डिंग आती है उसी पर ये आपकी लग जाएगी इस तरीके से। आप इसको आगे पीछे और दोनों साथ में भी करके लगा सकते हो, जैसे ये इस तरीके से आप साथ में भी बनाकर लगा सकते हो, ये काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।